नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 19 दिसंबर 2019 दोस्तों, और 18 प्लस 19 दोनों के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप देखेंगे, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, बोरिस जॉनसन किस देश के दोस्तों फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के 21 अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया। याद रखिएगा, कौन सा देश है जिसके 21 अधिकारियों दोस्तों भारत में प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, शुरू किया है। तो नेपाल के दोस्तों 21 अधिकारियों ने भारत में प्रशिक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में WEF क्रिस्टल अवार्ड किसने जीता दोस्तों। तो ये किसने जीता है, दीपिका पादुकोण जी ने WEF क्रिस्टल अवार्ड जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लारा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों लारा मार्श ने इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम दोस्तों क्या है, सूर्य किरण 14 आयोजित किया गया है। क्या बोल रहे हैं, भारत और कौन से देश के बीच में दोस्तों क्या हुआ है, उनके सेनाओं के बीच में संयुक्त अभ्यास है, उसका नाम क्या है, अभ्यास सूर्य किरण 14 भारत और नेपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में 3 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, मणिपुर में दोस्तों। 3 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में शुरू हुआ है 3 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मनोज मुकुंद नरवणे जी जो है भारत के अगले जो है थल सेना के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। क्या बोल रहे हैं, 15वें वित्त आयोग की दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद की 5वीं जो बैठक है ये कहाँ आयोजित हुई है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में ये आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में बार कोडिंग ट्राकिया को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, मतलब बार को जो ट्राकिया है दोस्तों इसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो आप हरियाणा, याद रखिएगा, हरियाणा जो है बार कोडिंग ट्राकिया को अपनाने वाला पहला जो है राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के कार्निवल ऑफ आइस्ट को विरासत सूची से हटाया। तो दोस्तों यूनेस्को ने हटाया है बेल्जियम के जो कार्निवल ऑफ आइस जो है इसको विरासत सूची से हटाया है, बेल्जियम का ये है, याद रखिएगा, यूनेस्को ने इसको हटाया है अपनी विरासत सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा, विराट कोहली। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में दोस्तों विराट कोहली जो है शीर्ष पर रहे, याद रखिएगा, विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में 5 दिवसीय तानसेन समारोह कहाँ शुरू हुआ है। 5 दिवसीय दोस्तों तानसेन जो समारोह है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ग्वालियर में, याद रखिएगा, ग्वालियर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में डैनी एलो का निधन हुआ दोस्तों, वे कौन थे। हाल ही में डैनी एलो का निधन हो गया, वे अभिनेता थे दोस्तों, एक्टर थे डैनी एलो, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर को दोस्तों हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में जारी जेंडर गैप, याद रखिएगा ये पॉइंट, हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा देश दोस्तों शीर्ष पर रहा, आइसलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा जरूर, और दो जो है आपके जो अभ्यास है और ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर जरूर एग्जाम में आते हैं, जेंडर गैप, आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में दूर संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
अनीता प्रवीण जी को, अनीता प्रवीण जी को दोस्तों दूर संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, अनीता प्रवीण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में बोरिस जॉनसन किस देश के दोस्तों फिर से प्रधानमंत्री चुने गए, तो बोरिस ब्रिटेन के, ठीक है, याद रख सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन के फिर से जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में पांचवें वार्षिक भारत एटीपी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, नई दिल्ली करेगा। पांचवें वार्षिक भारत एटीपी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, नई दिल्ली करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में नालको का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो श्रीधर पात्रा को दोस्तों, श्रीधर पात्रा को हाल ही में नालको का नया सीएमडी दोस्तों इसे किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों श्रीधर पात्रा जी को किया गया है नया सीएमडी नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया ब्रह्मोस का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण, ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में श्रीराम लागू का निधन हुआ, वे कौन थे, अभिनेता थे, एक्टर थे, श्रीराम लागू जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, अभिनेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में विजय मृतम और सरकारी योजनाओं का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया, केरल राज्य सरकार ने दोस्तों, हाल ही में विजय मृतम और सरकारी योजनाओं का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया, केरल राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, नई दिल्ली में दोस्तों, जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, नई दिल्ली में आयोजन इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल सकता है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा मास्टरमाइंड का अनावरण किया, ये आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। ऑप्शन है दीपिका पादुकोण जी ने, विश्वनाथ आनंद जी ने, विराट कोहली ने, इनमें से कोई नहीं, लिख करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा देश दोस्तों शीर्ष पर रहा है, जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है हाल ही में जो जारी हुआ है, यमन, स्पेन, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं, लिख करके दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए दोस्तों आज था 19 दिसंबर 2019, आपने देखा 20 कर भी दोस्तों करेंट अफेयर के क्वेश्चंस, आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा।